हाथ का उल्टा हिस्सा इंसान के बातिन का अक्स होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंसान के हाथ का उल्टा हिस्सा किस तरह से पढ़ा जाता है। जिस इंसान की उंगलियों के बीच में करवट के निशान ज्यादा होते हैं, तो ये क्रिएटिव, मेहनती, हुनरमंद, जोशीले और जज्बाती होने की दलील है। जिस इंसान के नाखून चौड़े होते हैं, तो ये बड़े दिल होने और बड़ी सोच के मालिक होने की निशानी है। जिस इंसान के नाखून तंग होते हैं, तो ये जो फैसला कर लेते हैं तो अपनी सोच को जल्दी बदलाते नहीं। और जिस इंसान के हाथ की पुश्त पे दिल का निशान होता है, तो ये तनकीद होने की तरफ इशारा है। लोग उन पे तनकीद करेंगे, लेकिन अगर वो तिल सन फिंगर के नीचे है, तो यानी तनकीद उनकी मेहनत पे होगी और ये मेहनत से चीर के जमाना हासिल कर लेंगे। लेकिन तिल अगर जहल की फिंगर के नीचे है, तो ये नजर हसद की तरफ इशारा है। ऐसे इंसान को रोज चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ के दिन का आगाज करना चाहिए। जिस इंसान के उल्टे तरफ पहली फिंगर के नीचे तिल होता है, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि ये किसी ख्वाहिश में आके अपनी मंजिल को गवा सकता है। इंसान को चाहिए कि अपने इमोशनल फैसलों से दूर रहे। लेकिन जिस इंसान की छोटी फिंगर के नीचे उल्टे हाथ की तरफ दिल होता है, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि ये मोहब्बत में किसी ऐसे इंसान को पाएगा जो उसको किस्मत वाला बना देगा। जिस इंसान के अंगूठे के नीचे उल्टे तरफ दिल होता है, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि ये मेहनत और हुनर से जमाने में अपना ऐसा मुकाम बना लेगा कि जिसपे दादे लोग फख्र करते रहेंगे।